हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 10th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 4.3 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा दूसरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। इस बार हमको क्या करना है, मूल जो है दो वो हमको द्विघाती सूत्र से ज्ञात करके करना है। तो भाई पहले तो हमने क्या किया था, पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व किए थे। अब हमें मूल निकालने हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है अभी आपको बताएंगे। और पहला क्वेश्चन जो है वो हमने करा दिया था, आज जो है वो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, चलिए नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है ये, ठीक है। तो इसमें हमारा समीकरण है 2x² प्लस का x और माइनस का 4, ठीक है। ये हमारा समीकरण दिया गया है, ठीक है, और बराबर में 0, ठीक है। ये जो है ये हमारा समीकरण दिया गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। 2x² प्लस एक्स माइनस का 4, ठीक है, यही ठीक है क्वेश्चन। तो अब हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, जो हमारा द्विघाती समीकरण जो होता है वो एक्चुअल वाला जो जिससे जिसको हम देखते हैं, जो हमारा बेस होता है उसको लिखेंगे, तो उससे हम तुलना करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस समीकरण की तुलना ax², ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा समीकरण है कॉल आ गया था यार, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे। तो तुलना करने पे हमको क्या मिल रहा है, x² का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर हमारा 2 हो गया। ऐसे ही x का गुणांक जब कुछ लिखा नहीं होता है तो वहाँ पे हम 1 मानते हैं, ठीक है। जैसे कि खाली x लिखा है तो समझ लो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमारा b बराबर लिख देंगे 1। अब c बराबर क्या है, माइनस का 4 है, तो हम लिख देंगे, ठीक है। तो हमने सबकी तुलना जो है वो कर ली। अब सबकी तुलना जो है वो हमने कर ली, अब हम फार्मूला है वो लगा देंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे द्विघाती सूत्र से, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र हमारा है क्या, ये है x - b प्लस माइनस √b² - 4ac और बटे में 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो याद करा देते हैं। तो बताएं, मेरे घर में कोई है नहीं, तो आज घर का काम जो है मुझे करना पड़ा, तो थोड़ा लो लग रही हूँ, मेरी बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही है पढ़ाने की, फिर भी पढ़ा रही हूँ। तो चलिए याद कर लेते हैं फार्मूला, x - b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। x - b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। x - b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मूला। तो अब हम सब इसमें मान रख देते हैं, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी है, तो माइनस बी का मान 1, प्लस माइनस लगा दो √b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a हमारा क्या है 2 है, और c हमारा क्या है माइनस का 4 है, कर दिया अपॉन में हमारा क्या है 2a, a का मान हमारा 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 32, ठीक है। और माइनस माइनस हमारा क्या हुआ, ये प्लस हुआ, ठीक है। ये जो था यहाँ पे निशान हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की माइनस से जब गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। और बटे में 2 × 4, ये अब और हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस, ये 1 और 32 हमारा क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, और बटे में 4,
ठीक है। ये जो वैल्यू निकल के आई है ये हमारी एक्स की निकल के आई है, तो हमारा द्विघाती है ना, मतलब दो घात है, तो दो मूल निकलेंगे। तो चलिए कैसे निकलेंगे ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या है, एक बार हम प्लस में मान लेंगे, एक बार हम माइनस में मान लेंगे। प्लस और माइनस का मतलब है एक बार प्लस में मान लेना है, एक बार माइनस में लेना है। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस अंडर रूट 33 बटे में 4, ठीक है। एक तो ये हो गया जब हमने प्लस वाला मान लिया है, ठीक है, जब हमने प्लस वाला मान लिया तो हमारा ये हो गया, ठीक है। और हमारा क्या है दूसरा मान, जब हम माइनस लेंगे, माइनस वन माइनस 33 अंडर रूट में, ठीक है, और बटे में 4, तो दूसरा वाला मूल जो है वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट हो गया। तो क्या किया है हमने, कुछ नहीं किया है, ये जो है हमारा लिखा हुआ इससे हम तुलना करेंगे जो हमारी समीकरण दी है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो ये a बराबर 2 हो गया। यहाँ पे x का गुणांक b है तो b लिख दिया, यहाँ पे x का गुणांक कुछ भी नहीं लिखा, जो कुछ भी ना लिखा हो तो समझ लो वहाँ पे 1 है, 0 मत कर देना, ठीक है। गुणा में 0 करोगे तो उस पूरा मान जो है वो 0 ही हो जाएगा। और c की जगह पर हमारा है माइनस 4 था, लिख दिया, और ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, पुट कर दिया फॉर्मूला में सब कुछ, तो हमारा आ गया आंसर। तो क्लास जो है हमारी कंप्लीट हुई आज की, क्लास जो है आपको पसंद भी आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे।